जनता टीवी की टीम ग्राउंड पर मौजूद है। कल की कैसी तैयारियां हैं आप देखिए हमारे संवाददाताओं की रिपोर्ट। तो आजादी का महोत्सव जो है वो बड़ी धूमधाम से जिला ऊना में मनाया जा रहा है। हर घर पर तिरंगा जो है, हर दिल पर तिरंगा लेकर लोग चले। आइए आज इस महोत्सव को जिला ऊना किस तरह का मना रहा है, आइए बात करते हैं यहाँ पर दो छात्राएं। जी मैम, आजादी का महोत्सव चला हुआ, क्या कहेंगे? हमें तो इसको लेकर काफ़ी उत्साह है कि जो हमारे देश में 75वां आज़ादी का महोत्सव है बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और खासकर हमारे जैसा स्टूडेंट्स में काफ़ी जोश देखने को मिल रहा है। तो हम तो यही कहेंगे कि भारत माता की जय। मैम आपका क्या? सर आज संडे के दिन हमारे कॉलेज में एक रैली का आयोजन किया गया था, जिसको लेकर आज हम गए हुए थे। तो देश के लिए तो वैसे भी आप देख सकते हैं युवाओं में भी बड़ा उत्साह है कि एक ही बात है, जय घोष हमारा, जय तिरंगा हमारा। वेरी गुड। यहाँ पर देखिए एक प्रयास जो है युवाओं में है और बात करेंगे यहाँ पर, इनसे जानते हैं। भाई साहब क्या कहना है आपका, आज जिस प्रकार से पूरा देश आज़ादी का महोत्सव मना रहा है, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। सभी को अपने घर में तिरंगा लगाना चाहिए, जिन्होंने हमारे देश के लिए वो कुर्बानी की उनको याद करना चाहिए दिन के लिए। जी जी मैम, आपका क्या कहना है? मैं भी बड़ी खुश हूँ, लोगों को अपने घर में तिरंगा लगाना चाहिए और मैं उन मतलब जो देशभक्त हमारे वीर जवान हैं उनको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, वो दिन रात हमारे लिए सेवा कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं। क्या क्या आपने अपने घर में भी तिरंगा लगाया है? हाँ हमने लगाया हुआ है और हम बाकी लोगों को भी चाहते हैं कि वो भी अपने घर में तिरंगा झंडा जरूर लगाए। धन्यवाद जी। तो ये देखिए किस प्रकार से यहाँ पर उत्साह जो है लोगों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ अगर जिला ऊना की बात करें तो जिला ऊना में चाहे होम गार्ड्स हों, चाहे एनसीसी हो, चाहे अन्य सामाजिक संस्थाएं हों, पार्टी विशेष भी अगर मैं बात करूँ तो कोई पीछे नहीं है। हर लोग आज़ादी के इस 75वें वर्ष को उत्साह से मना रहे हैं और जगह जगह पर तिरंगा जो है आपको लहराता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। कैमरा पर्सन ज्योति सियाल के साथ जनता टीवी के लिए ऊना से पंकज कतना की रिपोर्ट।